Hello children, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Today we will learn computer science of class 2nd and we will learn lesson 3rd. Lesson 3rd is computer system. आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर सिस्टम के बारे में जानेंगे कि कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है. आप जानते हो कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. इसके अलावा डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है. जो डाटा होता है वो हमारा रॉ फैक्ट होता है. जैसे एक बच्चे का नाम दिया है राम, उसके मार्क्स दिए हैं 90% और उसके बस इतना ही दिया है और इसको हमें इंफॉर्मेशन में बनाना है. ये तो डाटा आ गया हमारे सामने. अब हम अगर इंफॉर्मेशन में इसको बनाएंगे तो हम लिखेंगे राम गोट मार्क्स 90%. ठीक है, राम ने 90% मार्क्स प्राप्त किए. और इसके अलावा आज हम इनपुट और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और आउटपुट यूनिट के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे. चलिए पढ़ते हैं लेसन 3. लेट्स बिगन स्टडी. टुडे वी विल लर्न कंप्यूटर साइंस क्लास 2nd लेसन 3rd एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन. लेसन नेम इज कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच गिव्स मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अंडर द प्रोग्राम कंट्रोल. जो कंप्यूटर है वह एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देती है अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम. ठीक है, प्रोग्राम्स के कंट्रोल में यह मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देती है. और एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इनपुट डाटा इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड एंड प्रोसेस इट एंड प्रोड्यूस आउटपुट इन द डिजायर फॉर्म. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को इनपुट करती है, डाटा इंस्ट्रक्शन को इनपुट करती है, स्टोर करती है और प्रोसेस करती है और उसके बाद फिर आउटपुट प्रोड्यूस करती है जैसा कि हम चाहते हैं. डाटा एंड इंफॉर्मेशन. द वर्ड डाटा इज प्लूरल फॉर्म ऑफ डेटम. जो डाटा है वो डेटम की प्लूरल फॉर्म है वो विच मीन्स फास्ट, जिसका मतलब होता है फास्ट. डाटा आर फैक्ट्स. डाटा फैक्ट होता है और द रॉ मटेरियल ऑफ इंफॉर्मेशन. और रॉ मटेरियल होता है इंफॉर्मेशन का. डाटा आर रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल्स. डाटा सिंबल्स को रिप्रेजेंट करता है. आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड. जब डाटा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद वह इंफॉर्मेशन में बदल जाता है. दस इंफॉर्मेशन इज डाटा अरेंज्ड इन द ऑर्डर दैट वुड बी यूजफुल टू द यूजर. इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन में डाटा एक सीक्वेंस में ऑर्डर में लगाया जाता है जिससे कि वह यूजर के लिए यूजफुल बन जाता है या होता है. इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस ड्यू टू द आउटपुट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग ऑपरेशन दैट इज रिक्वायर्ड बाय पीपल टू अचीव स्पेसिफिक पर्पस. इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है. क्यों प्रोड्यूस होती है? ड्यू टू द आउटपुट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग. डाटा प्रोसेसिंग के बाद इनपुट प्रोड्यूस होती है. उसके बाद दैट इज एक्वायर्ड बाय पीपल. जो कि जैसे लोग हैं, यूजर हैं, उनके द्वारा इंस्ट्रक्शन आदि दिए जाते हैं. जो लोग हैं वह कुछ स्पेसिफिक पर्पस से डाटा को एंटर करते हैं या फिर इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं. ये है, दिस इज द, इस तरीके से पहले डाटा इनपुट किया जाता है, फिर प्रोसेस होता है और उसके बाद फिर आउटपुट हमारे सामने आता है. दो हमारे सामने फिगर होती हैं. ये डाटा है, उसके बाद फिर प्रोसेस होता है और उसके बाद फिर हमारे सामने मीनिंगफुल फॉर्म में आ जाता है.
ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, जो हमने स्ट्रक्चर पीछे देखा उसके बेस पर कंप्यूटर कैन बी डिवाइडेड इनटू द फॉलोइंग पार्ट्स। कंप्यूटर को फॉलोइंग पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, इनपुट यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू और आउटपुट यूनिट। द कॉम्पोनेंट ऑफ द कंप्यूटर दैट एक्सेप्ट डाटा आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस। वह कॉम्पोनेंट्स, कंप्यूटर के वह कॉम्पोनेंट्स जिससे कंप्यूटर डाटा एक्सेप्ट करता है उनको इनपुट डिवाइस या फिर इनपुट यूनिट कहा जाता है। द प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इनसाइड द कंप्यूटर इज डन बाय सीपीयू। इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर जो प्रोसेसिंग होती है वह सीपीयू के द्वारा होती है। फाइनली द डिवाइस कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू द यूजर आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइस और आउटपुट यूनिट। और उसके बाद प्रोसेसिंग होने के बाद जो डिवाइसेस जो रिजल्ट के रूप में डाटा को हमारे सामने दिखाती हैं उनको आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। सो द कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेन यूनिट्स। तो इसीलिए जो कंप्यूटर है उसकी तीन यूनिट होती हैं, नंबर वन इनपुट यूनिट, नंबर टू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड नंबर थर्ड इज आउटपुट यूनिट। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। बी विद अस फॉर द सेकेंड पार्ट। जल्दी लेकर आएंगे सेकेंड पार्ट वीडियो का और उसमें हम पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में। थैंक यू।